आज के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दून से, में जो है 7 जिलों के स्कूल यहाँ पर जिसमें आज छुट्टी होने वाले हैं। मौसम विभाग ने जो है उत्तराखंड के 8 जिलों में 2 दिन के लिए हम जो है भारी से बहुत भारी बारिश का जो है रेड अलर्ट जारी किया है, और चेतावनी के मद्देनजर 7 जिलों के लिए यहाँ जो स्कूल छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 1 से लेकर 12 तक की आंगनबाड़ी वाले सारे स्कूल 23 और 24 को बंद रहने वाले, जिसमें टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, वैशनगर में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि व्यंग लिखने वाले जो शिक्षक है उसको चेतावनी जारी कर दी है। तो सरकारी नीतियों और यहाँ पर शिक्षा मंत्री पर व्यंग करने वाले शिक्षक मुकेश प्रसाद बगोड़ा को जो है कड़ी चेतावनी जारी की है, और भविष्य में जो है उनके स्तर पर जो है से पुनरावृत्ति होने पर जो है उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है की चेतावना किया है। और वहीं बात करें अगर विश्वविद्यालय से मुझे 45 बीएड कॉलेजों के मानक अधूरे और एक की मान्यता समाप्त, तो यहाँ पर देखते हैं कि एनसीटी ने 13 बीएड कॉलेजों को अंतिम और यहाँ पर 32 को यहाँ पर पहला नोटिस दिया, तो एक की मान्यता समाप्त भी कर दी है क्योंकि यहाँ पर मानक तय से नियम के विरुद्ध थे। बताया गया कि यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय समेत 45 बीएड कॉलेज के जो मानक थे अधूरे होने के चलते यहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की एनसीटी ने जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और वहीं नैनीताल जिले के 1 बीएड कॉलेज की यहाँ पर अगले सत्र की जो है मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो ये देखते इस तरह मामला आया हुआ है, कई बीएड कॉलेज बंद हो चुके हैं होने के कारण पर भी हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर कर्णप्रयाग जो है महाविद्यालय के अधिकांश छात्र छात्राएं फेल, तो एबीवी ने सृजनशील विश्वविद्यालय के कुलपति का फूका पुतला। तो यहाँ पर देखते हैं कि राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग के अधिकांश छात्र छात्राएं जो है परीक्षा में फेल हो गए हैं। इसको लेकर जो है गुस्साई जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर्णप्रयाग इकाई के छात्र छात्राओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका। पहाड़ में जो है यहाँ पर सेवा देने के लिए यहाँ पर 40 विशेषज्ञ चिकित्सक हुए तैयार। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीमांत जिलों में जो है मिलेगी उच्च स्तरीय व्यवस्था सुविधा बताया गया है, और पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर 40 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको अब यहाँ पर मिलने वाली सुविधा। और वहीं यहाँ पर छात्र दिखेंगे चंद्रयान 3 का जो है सीधा प्रसारण अपर राज्य परियोजना निर्देशक के निर्देश। तो यहाँ पर आज शाम को चंद्रमा की सतह पर जो है उतरेगा लैंडर विक्रम, और इसमें यहाँ पर देश की सबसे महत्वाकांक्षी जो यहाँ पर मून मिशन के सपनों को जो है साकार करने के लिए चंद्रयान 3 चांद से जो है बस कुछ ही दूर पर है, और यान का जो है विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है, और उसके लिए हम जो है छात्र देख पाएंगे। और वही बात यहाँ पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी प्रमुख का जो है आज संभालेंगे कार्यभार। और उत्तराखंड में बात करूँ भर्ती के रिगार्डिंग, तो नई भर्ती इसमें रोडवेज में 162 ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती के रिगार्डिंग, तो इसमें देखते हैं कि बताया गया है कि रोडवेज में 162 ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती होगी, और यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगा। आउटसोर्स माध्यम से होनी है, एजेंसी के चयन के लिए हम जो है निविदा की प्रक्रिया चल रही है, तो एजेंसी ढूंढा जा रहे हैं। और रोडवेज में जो है सीधी भर्ती पर 2016 से रोक है, और हर साल जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं लेकिन रोग के कारण यहाँ पर उनकी नई नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, और इससे यहाँ पर ज़्यादा परेशानी ड्राइवर कंडक्टरों की जो है कमी से हो रही है। इसका सीधा असर जो है बसों के संचालक पर पड़ रहा बताया गया है, और ऐसे में जो है रोडवेज आउटसोर्स के माध्यम से ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती करता है, और अब तक यहाँ पर जिस एजेंसी को यह जिम्मा दिया था उसका जो है अनुबंध समाप्त हो गया है, इसलिए रोडवेज ने नई एजेंसी के साथ जो है अनुबंध के निविदा निकालनी है। और इसके लिए महाप्रबंधक जो कि आरपी भारती ने बताया कि एजेंसी के माध्यम से 57 ड्राइवर और यहाँ पर 105 कंडक्टर रखे जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जल्दी यहाँ पर 162 पदों की भर्ती आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर 6 सितंबर से हो सकता है 20 का मानसून सत्र, और इसमें यहाँ पर 24 अगस्त को जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ले सकती है निर्णय। बहुत सारे फैसले आने हैं 24 तारीख को, और इसका जो है शुभारंभ होना है 24 तारीख को, जिसमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पेश की जानी है। और व्यंग लिखने वाले जो शिक्षक है उसको चेतावनियां अब जारी कर दी हैं, और अगस्त में होने वाले परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी नहीं। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि अगस्त में होने वाली जो परीक्षाएं थी उसकी विज्ञप्ति भी यहाँ जारी नहीं की आयोग ने, और कैलेंडर के हिसाब से 2 माह में होनी थी कई परीक्षाएं, 2 महीने में कई परीक्षा होनी थी, लेकिन कैलेंडर धरा का धरा रह गया है। और इसमें कहा गया कि आयोग
लोक सेवा आयोग को जो है अपने कैलेंडर के हिसाब से जिन भर्तियों की परीक्षा जुलाई अगस्त में करानी थी उनकी अभी तक जो है विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है, और वहीं पुरानी चल रही भर्तियों में जो है भी कोई ना कोई जो है अड़ंगा लगाने से हजार छात्र परेशान हैं। और उसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में अगस्त 2021 में पीसीएस की विज्ञप्ति निकालनी थी, और 2 साल के बाद जो अब तक जो पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो है परिणाम जारी न होने पर जो अभ्यर्थी परेशान है, और उनका कहना है कि अभी जो है मुख्य परीक्षा का परिणाम आने में इतना वक्त लग रहा है, इसके बाद जो है इंटरव्यू और फिर अंतिम चयन परिणाम कितना वक्त लगेगा इस तरह का रहा है। साथ में यहाँ पर आयोग का जवाब देखिए, आयोग का जवाब है कि 15 अक्टूबर तक जो है कई भर्तियाँ, तो कहा कि 15 अक्टूबर कई भर्तियाँ होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सचिव जो गिरधारी सिंह रावत ने कहा है कि अमर उजाला में ये बात करते हुए कि भर्तियों के प्रस्तावों का जो है यहाँ पर अध्याचन का उसकी खामियां दूर की जा रही है बताया गया है, और पीछे मुख्य परीक्षा की कॉपियां की जांच चल रही है, और बताया जा रहा है कि समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जेई सहित जो यहाँ पर कई भर्तियों के विज्ञापन 15 अक्टूबर तक जो यहाँ पर जारी किए जाएंगे, यानी कि जेई है आपका ROER वाले हैं वो 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएंगे कहा है, और कहा है कि किसी अभ्यर्थी को जो है चिंतित यहाँ जो है होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पर आयोग के द्वारा कहा गया है। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा युवक पकड़ा, तो यहाँ पर देखते हैं कुआं वाला में डोई वाले में बताया गया कि ठीक है एम्प्लाइड जो प्रोडक्ट फंड है इसमें यहाँ पर बताया गया परीक्षा देने के लिए किसी और की जगह कोई और पहुंचा। और वहीं बात करें यहाँ पर बेरोजगार नर्सों ने यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने की मांग, तो यहाँ पर बेरोजगार ने स्टाफ जो अब की नर्सिंग भर्ती था लगभग लगभग ठीक है नर्सिंग भर्ती के अधिकारियों के 1564 पद के परिणाम घोषित करने के शेष बचे हुए थे, तो इन सब का परिणाम जारी करने की बात कही, इसके लिए यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड में बंदी रक्षक की अगर बात करूँ तो जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदली है, तो लोक सेवा आयोग ने बंदी रक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि अब दिसंबर के बजाय जो है अक्टूबर में कराया जाएगा, और आयोग ने जो है इसकी तिथि परिवर्तन कर दी है, और इसमें कहा है कि अब आपकी परीक्षा यहाँ पर 17 अप्रैल 2025 के बीच में जो हुई थी सारी दक्षता परीक्षा उसका परिणाम 10 अगस्त को जारी हुआ था, और अब इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन अब आपका होगा जो कि पहले 24 दिसंबर रखा गया था, अब इसकी तिथि बदलते हुए 15 अक्टूबर को देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार इन केंद्रों पर होगा। तो तीन ही जगह हैं, काफ़ी कम लोग हैं वैसे भी, तो तीन ही सेंटर पर आपका कराया जाएगा, 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर 2350 पदों पर जो है भर्ती की 3 महीने बाद भी जो है अनुमति नहीं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती में जो है 2350 पदों की भर्ती 3 महीने के बाद भी अभी तक उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है, और कहा कि जबकि स्कूलों में जो है पिछले साल काफ़ी 3600 के करीब जो खाली पद पड़े हुए हैं, और नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर जो है निकालनी है, इसके रिगार्डिंग जो है सहायक अध्यापक पद खाली हो चुके हैं और इसकी अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग, दुर्गम विद्यालयों को मिलेंगे 106 एलटी शिक्षक, तो यहाँ पर देखते हैं कि अच्छी न्यूज है उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में दुर्गम क्षेत्र में, यहाँ पर कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में बताए गए रिक्त पदों पर एलटी शिक्षक पदों के लिए जल्द शिक्षक तैनाती करे जाएंगे, 106 एलटी शिक्षक जो है दुर्गम क्षेत्र में तैनाती दिया जाएगा, और अधिनय से चयन आयोग से भर्ती इनका हो चुका है, 24 और 26 को इनका डीबी होना है मंडलवार, और उसके बाद इनको यहाँ पर नियुक्ति दिया जाएगा। और वहीं वर्क बुक से पढ़ने के साथ यहाँ पर सीखेंगे बच्चे, तो अवर्ड वर्क बुक में पढ़ना सीखेंगे बच्चे, ऐसा भी कहा गया है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब है, 1728 जो विद्यालय है उसमें बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। विश्वविद्यालय के परिणाम नहीं किए घोषित, हजारों छात्रों का प्रवेश से वंचित हो चुका है, और इसके लिए शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर घनश्याम के अभियान एक शिक्षा एक परीक्षा और एक दाखिले को लेकर देश में विश्वविद्यालय की सुस्ती जो है दिखने वाली लगी है, और इसमें यहाँ पर जो है इनके अभी तक जो है रिजल्ट घोषित नहीं कर रखा है, और डिग्री कॉलेज में जो है अब 26 तक होंगे प्रवेश, तो यहाँ पर राजकीय जो विश्वविद्यालय है इसमें सरकारी संबंध जितने भी हैं उन पर प्रशासकीय है निजी है सबका यहाँ पर जो है 26 तक प्रवेश हो सकेंगे। उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी झूझ रहे स्कूल, देख सकते हैं यहाँ पर गणित शिक्षक की तैनाती की मांग पर प्रदर्शन, तो ये बैजनाथ पिथौरागढ़ में बात है, इसमें माध्यमिक विद्यालय ठीक है चौसाला में बताया गया कि 2 वर्ष से यहाँ पर गणित के जो अध्यापक वो रिक्त पद चले हुए हैं, और बच्चों के भविष्य को लेकर जो है परेशान विभागों ने प्रदर्शन किया है, और माध्यमिक विद्यालय में जो है चौसला में बताया गया है कि 2 साल से शिक्षक पद रिक्त हैं, इसमें बेनाग में और BEO कार्यालय में प्रदर्शन करने शुरू कर दिया है, और वहीं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी करने की मांग, तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक ने शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहा है, जनपद जिलों में लंबित जो प्रतीक्षा सूची है उसको जारी करने की बात कही गई है।
बात करते हैं आज के जॉब अपडेट को लेकर, तो BEL में 63 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप ऑनलाइन तरीके से, और 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है आवेदन शुल्क देख सकते हैं यहाँ पर। RPSC में 12 पदों की पोस्ट निकाली गई हैं, आवेदन कर सकते हैं 22 सितंबर तक, 600 रुपये शुल्क है। UPPSC में 2240 पदों पर स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली गई, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 125 रुपये शुल्क है, वेबसाइट पर जारी किया गया है। सामने रक्षा मंत्रालय है, समाज जो राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं।